जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है, मात्र 100 रुपये की पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, 9399553966 पर आप संपर्क करेंगे तो ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को, जहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहां पर लाए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का यहां पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 से यहां पर स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युग को पढ़ना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारतेंदु युग से संबंधित। कि पावस पचासा सुकवि सतसई हो री किसकी रचनाएं मानी जाती है। 51 में आप सभी के लिए चयन करना है। 51 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर पावस पचासा और सुकवि सतसई हो री अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या फिर भारतेंदु, किन की रचनाएं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और 51 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये रचनाएं मानी जाती हैं किनकी, अंबिका दत्त व्यास जी की। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अंबिका दत्त व्यास यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर ये वाला विकल्प बताया है, अंबिका दत्त व्यास जी की रचनाएं मानी जाती हैं। श्यामा स्वप्न उपन्यास की रचनाकार कौन माने जाते हैं, किनका ये उपन्यास है श्यामा स्वप्न, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। 52वां क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, ठाकुर जगमोहन से हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं। 52 आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प, यानी कि ठाकुर जगमोहन से। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ठाकुर जगमोहन से जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर दिया गया है। 53 में आप सभी के लिए बताने, किस रचनाकार ने बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलियां छंद में बिहारी बिहार नाम से भाव विस्तार किया है, कौन है वह, बताइएगा। प्रताप नारायण मिश्र है, राम कुमार वर्मा है, ठाकुर जगमोहन से है, अंबिका दत्त व्यास है। 53 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि वह कौन से रचनाकार हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा, जिन्होंने बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलियों छंद में बिहारी बिहार के नाम से जो है भाव विस्तार किया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, 53 में सही आंसर बी वाला विकल्प, नहीं डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है, डी वाला अंबिका दत्त व्यास यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, 54वां क्वेश्चन है, 54 में बताना है भारतेंदु युग के किस रचनाकार को घटिका शतक और सतावधान और अभिनव अभिनव बाणभट्ट के नामों से जो है जाना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 54वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 54 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, 54 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है, अंबिका दत्त व्यास को ही घटिका शतक सतावधान अभिनव बाणभट्ट के नामों से जाना जाता है, भारतेंदु युग के वह रचनाकार बताना है तो अंबिका दत्त व्यास ही है, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 दिया गया है, भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किया है, 55 में चयन करना है, भारतेंदु हरिश्चंद ने, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, 55 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे, 55 में आप सभी का क्या है सही आंसर, भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी वाला विकल्प, अंबिका दत्त व्यास यहाँ पर भी जो है सही आंसर होंगे, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 100 जान किसके उपन्यास माने जाते हैं। 56वें सही आंसर बताना है बाल मुकुंद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान 100 जान किसके उपन्यास हैं? बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, 56वां क्वेश्चन है और 56वें आप सभी का सी सही आंसर है, बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अंश जी, ओम पाठक जी, अतेंद्र जी, राखी जी, बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर सी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या दिया गया है, 57वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 57 में आप सभी के लिए बताना है, भारतेंदु हुक्के के साहित्यकार ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है, वह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। वह कौन से साहित्यकार हैं? लाला श्रीनिवास दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, राधा चरण गोस्वामी हैं? बताइएगा कीर्ति जी, क्या होगा सही आंसर? भारतेंदु हुक्के वह साहित्यकार बताना है जिन्होंने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है, तो 58 में आप सभी का सही आंसर होगा, सॉरी 57 में सही आंसर है बी वाला विकल्प, बालकृष्ण भट्ट, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, 58वां क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप और प्रेम पुंज नामक पत्रिकाओं का संपादन करने वाले साहित्यकार कौन हैं? राधा कृष्ण दास है, राधा चरण गोस्वामी है, बालकृष्ण भट्ट है, बाल मुकुंद गुप्त है? क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर दिया गया है, 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। हिंदी प्रदीप और प्रेम पुंज नामक पत्रिकाओं का संपादन करने वाले साहित्यकार, हिंदी प्रदीप तो अपन ने कई बार पढ़ी है लेकिन प्रेम पुंज जो है अपन ने बहुत कम पढ़ी होगी ये पत्रिका। प्रेम पुंज का भी संपादन किन्होंने किया है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। और हिंदी प्रदीप तो अपन ने कई बार पढ़ी है, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा संपादित ये पत्रिकाएं मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? 59 में चयन करना है, बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं, प्रताप नारायण मिश्र माने जाते हैं, प्रेमघन, भारतेंदु। 59वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 59 में चयन करिएगा, भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में सबसे वरिष्ठ कौन माने जाते हैं? बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रमोद जी 59 में सही आंसर बताना है, तो 59 में आप सभी का सही आंसर है, वह माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। विकल्प आप सभी का यहाँ पर, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, भारतेंदु मंडल के रचनाकारों में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 60वां क्वेश्चन है, 60 में यहाँ पर क्या चयन करना है कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हवे आनंद भरे। उपर्युक्त काव्य उपर्युक्त वाक्य जो है भारतेंदु युग की किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, वह आप सभी के लिए बताने वह कौन सी पत्रिका है? 60 में चयन करना है, कवि वचन सुधा है, नागरी नीरद है, हिंदी प्रदीप है, ब्रह्मांड है, कौन सी वह है पत्रिका? कम लोग जुड़े हैं, क्या बात है, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और ये वाक्य लिखा रहता था किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर? हिंदी प्रदीप। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, हिंदी प्रदीप आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 61 है कि भारत बारहमासा की रचनाकार कौन मानी जाती है? भारत बारहमासा की रचनाकार कौन मानी जाती है? बताइएगा सलोनी जी, चयन करिएगा। 61वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि भारत के लोग जो है यहाँ पर राधा कृष्ण के दास बने रहते हैं, बारहमाएं, भारत के लोग बारहमाएं राधा कृष्ण के दास बने रहते हैं, तो राधा कृष्ण दास हो जाएंगे और भारत के लोग जो है बारहमाएं, तो बारह से बारहमासा भारत जो है, भारत बारहमासा जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? आप सभी का सही आंसर है राधा कृष्ण दास, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने रहीम के दोहों का कुंडलिनी छंद में रहीमन विलास के नाम से भाव विस्तार किया है?
62 में चयन करना है, बताइएगा बालमुकुंद गुप्त ने या फिर राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास। क्वेश्चन नंबर 62 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु युग के साहित्यकार ने रहीम के दोहों का कुंडलिनी छंद में रहीमन विलास के नाम से वह विस्तार किया है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राधा कृष्ण दास आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, विजयिनी विलाप किसकी रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर है, 63 में लाला श्रीनिवास दास हैं, राधा चरण गोस्वामी हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, राधा कृष्ण दास हैं। 63 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, 63 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। विजयिनी विलाप किसकी रचना मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। मोहित जी, पंकज जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विजयिनी विलाप की रचना जो है ये मानी जाती है किनकी, राधा कृष्ण दास। यहाँ पर भी आप सभी का सही आंसर डी वाला विकल्प सही आंसर है, राधा कृष्ण दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विजयिनी विलाप इन्हीं की बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 में आप सभी के लिए बताना है लाला श्रीनिवास दास के किस नाटक पर रोमियो एंड जूलियट का प्रभाव परिलक्षित होता है। तप्ता संवरण, प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर इनमें से किसी पर नहीं। 64वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाला श्रीनिवास दास के किस नाटक पर रोमियो एंड जूलियट का प्रभाव परिलक्षित होता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर दिया गया है, 64 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प है, रणधीर प्रेम मोहिनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने चयन किया है, रणधीर प्रेम मोहिनी आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 65वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु का जो रचना काल है वह क्या माना जाता है, 65 में चयन करना है बताइएगा। वह माना जाता है 1880, 1881, 1882, 1883। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है हिंदी का प्रथम उपन्यास रामचंद्र शुक्ल जी ने माना, इसके लिए परीक्षा गुरु परीक्षा तो निवास पर होगी, निवासी लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित ये प्रथम उपन्यास हिंदी का परीक्षा गुरु, और इसका रचना काल माना जाता है क्या माना जाता है, विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प, यानी कि आप सभी का सही आंसर 1882 माना जाता है, 1882 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 66 है, नव भक्तमाल के रचनाकार कौन है। 66 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, राधा चरण गोस्वामी हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, बालमुकुंद गुप्त हैं, ठाकुर जगमोहन से हैं। 66 में आप सभी लोग बताएंगे नव भक्तमाल के रचनाकार कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, राधा चरण गोस्वामी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, राधा चरण गोस्वामी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 67वां क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर तन मन होगा, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है बताइएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा। तनु जी, आराध्या जी, विकास जी, तन मन धन, यहाँ पर तन और उसके बाद मन धन, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण के रचनाकार माने जाते हैं राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, बालमुकुंद गुप्त या फिर लाला श्रीनिवास दास। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 67 दिया गया है और 67 में आप सभी का सही आंसर होगा राधा चरण गोस्वामी, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, राधा चरण गोस्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर दिया गया है, 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु पत्रिका निकालने वाले साहित्यकार कौन है। 68 में चयन करना है, वह साहित्यकार बताने, अंबिका दत्त व्यास है, प्रताप नारायण मिश्र है, प्रेमघन है, राधाचरण गोस्वामी है। 68 का सही आंसर क्या होगा, 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु पत्रिका निकालने वाले साहित्यकार क्या होगा। आप सभी का सही आंसर चयन करना है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है 68 में राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, राधाचरण गोस्वामी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप सभी का 69वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी भाषा को शुक्ल जी ने पंडिताउपन की भाषा कहा है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 69 दिया गया, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र। 69 में चयन करना है कि निम्नलिखित में से किसकी भाषा को शुक्ल जी ने जो है किसकी भाषा को शुक्ल जी ने पंडिताउपन की भाषा कहा है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मुंशी सदा सुखलाल, ये वाला विकल्प आप सभी का 69 में सही आंसर है, ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया मुंशी सदा सुखलाल उनका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 70वां क्वेश्चन है, 70 में आप सभी के लिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु को द्विवेद युग की योजक कड़ी माना जाता है। 70 में आपके लिए बताने, अंबिका दत्त व्यास हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, बाबू तोताराम हैं या फिर कार्तिक प्रसाद खत्री हैं। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा, वह साहित्यकार आप सभी के लिए बताना है जो भारतेंदु युग और द्विवेद युग की जो है योजक कड़ी मानी जाती है। 70 में आप सभी के लिए चयन करना है और 70 में आप सभी का सही आंसर है, वह मानी जाती है कौन, बाल मुकुंद गुप्त जी माने जाते हैं, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बाल मुकुंद गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और कम है आज जो है संख्या, क्या बात है, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। धूर्त रसिक लाल उपन्यास की रचनाकार कौन माने जाते हैं, 71 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है धूर्त रसिक लाल। दुर्गा दत्त व्यास हैं, मैं तो लज्जाराम शर्मा हैं या फिर नवनीत चतुर्वेदी हैं, कि ये सब राम भट्ट हैं। धूर्त रसिक लाल उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है, किनका उपन्यास माना जाता है, ये चयन करना है तो ये उपन्यास माना जाता है किनका। 71 में आप सभी का सही आंसर होगा बी वाला विकल्प, मेहता लज्जाराम शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। विधवा विवाह निषेध कियो विभिचार प्रचारियो किस साहित्यकार की पंक्ति मानी जाती है, वह साहित्यकार आप सभी के लिए बताने, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बताइएगा क्या है सही आंसर। विधवा विवाह विधवा ब्याह विधवा ब्याह निषेध कियो विविचार प्रचारियो किस साहित्यकार की पंक्ति मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर 72 में सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर विकल्प नंबर 2 इनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही संजू जी, दीपक जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, 73वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 73वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आप सभी के लिए बताने, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु युग के माध्यम से अवतरित तो होता है, तब यह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, टैक्स और महामारी धन के विदेशों में प्रवाह के विरुद्ध वे आवाज उठाते हैं और स्वदेशी और मातृभाषा के प्रयोग के लिए आग्रह करते हैं, यह कथन के सालोचक का माना जाता है, ये आप सभी के लिए बताना, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शंभुनाथ से या फिर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। 73 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण जो है भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है, तब यह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, टैक्स महामारी धन के विदेशों में प्रवाह के विरुद्ध वे आवाज उठाते हैं, स्वदेशी व मातृभाषा के प्रयोग के लिए आग्रह करते हैं, यह कथन के सालोचक का है,
क्वेश्चन आपका यहां पर 73 है और आप सभी का सही आंसर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर है, रामस्वरूप चतुर्वेदी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया, वे नए साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे, कथन किस इतिहासकार का है। क्वेश्चन नंबर 74 में आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, क्या है सही आंसर। चौहत्तरवा क्वेश्चन है और 74 में आप सभी का सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी का, यह कथन माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 यहां पर दिया, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर से गदर से प्रभावित है, यह कथन के सालूचक का है, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनय शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। 75 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है क्या होगा सही आंसर। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर या व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, कथन के सालूचक का है, ये चयन करना है। यहां पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहां पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा जी जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। ए वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है, रामविलास शर्मा आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर दिया गया है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है, यह कथन इतिहास के इतिहासकार का है। महत्वपूर्ण कथन पूछे जा रहे हैं, ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। अंश जी बिल्कुल आप सभी का 76 में सही आंसर है सुरेंद्र जी, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है, यह कथन किस इतिहासकार का है, ये चयन करना है। तो आप सभी का 76 में सही आंसर होगा रामविलास शर्मा, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डॉक्टर रामविलास शर्मा आप सभी का यहाँ पर मंजू जी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है 77, डफ बाज्यो भरत भिखारी के, भरत भिखारी को ये पंक्ति किनकी मानी जाती है। 77 में नई नई पंक्तियां पूछी जा रही हैं यहाँ पर, डफ बाज्यो भरत भिखारी को ये पंक्ति किनकी है, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर दिया गया है और 77 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है, बताइएगा। चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये आप सभी लोग आंसर कमेंट में बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि पंक्ति मानी जाती किनकी। 77वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है, भारतेंदु आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य रचना आप सभी के लिए बताने कौन सी मानी जाती है, प्रेम तरंग है, राग संग्रह है या फिर मधु मुकुल है, दूषण मालिका है। 78 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की गद्य रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी मानी जाती है। अंतिमा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से चयन करना है तो 78 में डी सही आंसर है, दूषण मालिका, दूषण मालिका आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की गद्य रचना मानी जाती है दूषण मालिका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 79वां क्वेश्चन है, निन मुसलमान हरिजनन पे कूटन हिंदू बारी रसखान आदि मुसलमान कृष्ण भक्तों की प्रति पंक्तियां किन की मानी जाती है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 79 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
79 में सही आंसर बताना है। लाइक करते जाइएगा जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया इस क्लास को, और आप सभी का सही आंसर है भारतेंदु जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 80वां क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा ने हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने, बताइएगा भारतेंदु को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, आरती जी, प्रियंका जी, कंचन जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 80 में सही आंसर चयन करना है तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है, बालकृष्ण भट्ट जी को। किन्होंने? रामविलास शर्मा जी ने हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना है? बालकृष्ण भट्ट जी को। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 81वां क्वेश्चन है, पद्मावती, चंद्रसेन, नई रोशनी का विष आदि किसकी नाट्य कृतियां मानी जाती है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास। 81वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, बताइए। 81 में सही आंसर चयन करना है, पद्मावती, चंद्रसेन, नई रोशनी का विष आदि किसकी नाट्य रचनाएं, नाट्य कृतियां मानी जाती हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये सभी मानी जाती हैं बालकृष्ण भट्ट जी की। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कल्पना जी, कमला जी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर किसने शोकाश्रु बिंदु के नाम से रचना लिखी है? किन्होंने लिखी है? राधा कृष्ण दास ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। 82वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 82 में आप सभी लोग शेयर करिएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निधन पर शोकाश्रु बिंदु के नाम से एक रचना लिखी गई है, और इस रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये रचना मानी जाती है किनकी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर 83वां क्वेश्चन है, जीर्ण जनपद और अलौकिक लीला किसके प्रबंध काव्य है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। 83वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बताइएगा जीर्ण जनपद, अलौकिक लीला किसके प्रबंध काव्य मानी जाती है? क्वेश्चन 83 यहाँ पर दिया गया है, और 83 में आप सभी का सही आंसर है, ये सभी माने जाते हैं किनके? विकल्प आप सभी का 83 में ए वाला विकल्प आपका सही आंसर है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी जो हैं उन्हीं के ये जो है प्रबंध काव्य माने जाते हैं, ये वाला विकल्प है। राखी जी बहुत बढ़िया, राज जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि वीरांगना रहस्य अथवा वेश्या विनोद, भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन किसकी नाट्य कृतियां मानी जाती है? 84 में आप सभी के लिए बताना, लाला श्रीनिवास दास की है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, या फिर राधा कृष्ण दास, चयन करिएगा अभी जी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वीरांगना रहस्य अथवा वेश्या विनोद, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, ये सभी रचनाएं किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, 84 में आप सभी के लिए बताना है, 84 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि प्रताप नारायण मिश्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि किए सनात बोली भारत की प्रजा अनाथन, ये किसकी पंक्तियां मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, आप सभी का 85वां क्वेश्चन है, और 85 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइएगा, 85वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का सही आंसर क्या है,
85 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर आप सभी का बी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बद्री नारायण चौधरी प्रियंगन आपका सही आंसर। यहां पर भी सुधार लें, यहां पर भी आपका ये जो है गलत हो गया ये क्वेश्चन, इसको सुधार लीजिएगा। वीरांगना रहस्य अथवा वैश्व विनोद भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन, इन जो रचनाएं हैं ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना। इसी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। यहां पर भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपका सही आंसर होंगी। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया है, यहां पर आप सभी का दिया गया है क्वेश्चन नंबर 86वां क्वेश्चन है। 86 में बताने मिर्जापुर धुन के कलजी गानों का संग्रह कलजी कादंबनी के नाम से किसने किया है, ये आप सभी के लिए बताना। बिल्कुल कल्पना जी, क्वेश्चन नंबर 86 आप सभी के लिए बताना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं, या फिर राधाचरण गोस्वामी हैं। 86 में आप सभी के लिए चयन करना है। 86 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर भी विकल्प नंबर ए वाला जो है, मैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यहाँ पर भी आप सभी का सही आंसर होगा। प्रमोद जी, भावना जी, दीप्ति जी, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की खड़ी बोली से संबंधित रचना आप सभी के लिए बताने कौन सी मानी जाती है। जीर्ण जनपद है, आनंद अरुणोदय है, मयंक महिमा है, बा औसा दोनों हैं, बताइएगा, चयन करिएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 87 है। यहाँ पर कजरी होगा, कजरी कजली हो गया है यहाँ पर, कजरी बिल्कुल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 में प्रेमघन की खड़ी बोली से संबंधित रचनाएं हैं बा और सा, आनंद अरुणोदय और मयंक महिमा। बा और सा आप सभी का सही आंसर है, आनंद अरुणोदय और मयंक महिमा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, 88वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। भारतेंदु का कौन सा रचनाकार हाजिर जवाबी और एवं मस्खरेपन के लिए प्रसिद्ध है, ये आप सभी के लिए बताना है। बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, राधा चरण गोस्वामी। 88 में सही आंसर चयन करना है। राखी जी, अर्चना जी, अमित जी, कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 88 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कली कौतुक, हटी हम्मीर, गौशंकर, ज्वारी कुआरी किसके नाटक माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 89 में बताना, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? 89 में चयन करना है। कली कौतुक, हटी हम्मीर, गौशंकर, ज्वारी कुआरी किन के नाटक माने जाते हैं? तो ये सभी नाटक जो है प्रताप नारायण मिश्र जी के ही नाटक माने जाते हैं। इसी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, 90वां क्वेश्चन है कि लेखन प्रणाली भारतेंदु के समान होने के कारण किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता है राधा कृष्ण दास को, राधा चरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, किन्हें जाना जाता है? ममता जी, नीता जी, अभी जी, क्या होगा सही आंसर? द्वितीय भारतेंदु के नाम से किन्हें जाना जाता है? 90वां क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर डी वाला विकल्प, प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये जो है भारतेंदु के समान जो है लेखन प्रणाली में होने के कारण इनको जो है द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 91, यहाँ पर दिया गया है क्या है, पढ़ी कमाए कीनो कहा, हरे न देश क्लेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, किसकी पंक्तियां मानी जाती है 91 में, बताइए।
प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन ठाकुर, जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी। 91 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो 91 में आप सभी का सही आंसर होगा जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये प्रताप नारायण मिश्र की बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती है, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, ये पंक्तियां किसकी मानी जाती है? अग्रिम जी बताइएगा, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन ठाकुर, जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी। सतीश जी कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, ये पंक्तियां किनकी मानी जाती हैं? 92 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो 92 में भी आप सभी का सही आंसर है। ये भी प्रताप नारायण मिश्र जी की बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती हैं, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। तो विकल्प नंबर ए वाला विकल्प आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 93 है। अह बयारी तब बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछे पीऊ कहाँ, प्रसिद्ध समस्या पूर्ति किसकी है? राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर प्रताप नारायण मिश्र। अंशु जी लाइक करते जाइएगा सभी लोग वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर दिया गया है, 93 में आप सभी का सही आंसर है। पपिया जब पूछे पीऊ कहाँ, तो ये समस्या पूर्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की समस्या पूर्ति मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बताना है कि सब धन ले हैं जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। पंक्ति भारतेंदु के साहित्यकार की है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन ठाकुर, जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी। क्वेश्चन माही जी यहाँ पर 94वां क्वेश्चन दिया गया है, और 94 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी जा रही हैं, किनकी? प्रताप नारायण मिश्र जी की। ये पंक्तियां याद रखिएगा, एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 95 दिया गया है, भारतेंदु के किस साहित्यकार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक प्रेम पथिक कवि कहा है? बताइएगा, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अंबिका दत्त व्यास को कहा है, बाल मुकुंद गुप्त को कहा है, ठाकुर जगमोहन सिंह, कार्तिक प्रसाद खत्री, क्या होगा सही आंसर? 95 में आप सभी के लिए चयन करना है, भारतेंदु के किस साहित्यकार को रामचंद्र शुक्ल जी ने एक प्रेम पथिक कवि कहा है? 95 में सही आंसर है ठाकुर जगमोहन सिंह। क्या है सही आंसर? ठाकुर जगमोहन सिंह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर तन्मय जी सही आंसर है। ठाकुर जगमोहन सिंह की किस रचना को अंबिका दत्त व्यास ने गद्य काव्य कहा है? वह रचना आप सभी के लिए बताना है, प्रेम संपत्ति लता है, श्यामा विनय को, या फिर श्यामा सरोजनी को, श्यामा स्वप्न को? 96 में सही आंसर चयन करिए। 96 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है श्यामा स्वप्न, जो रचना है ठाकुर जगमोहन की। इस रचना को अंबिका दत्त व्यास ने गद्य काव्य कहा है। क्या कहा है? गद्य काव्य कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 97वां क्वेश्चन है, बायरन की रचना प्रिजनर ऑफ सिलन को सिलन का बंदी नाम से अनुवाद करने वाले रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर यहाँ पर ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं? 97 में आप सभी के लिए बताना है, बताइए। तो आप सभी का सही आंसर है ठाकुर जगमोहन सिंह। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ठाकुर जगमोहन सिंह आप सभी का सही आंसर है। नवभक्तमाल के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 98वां क्वेश्चन, ये तो शुरू में ही पूछ लिया गया था, डबल हो गया ये क्वेश्चन। राधा चरण गोस्वामी जी की रचना है नवभक्तमाल। 99 में आप सभी के लिए बताना है निपट नादान और बारहमासी, भारत संगीत, भारतेंदु के किस रचनाकार की रचना मानी जाती है? बताइए, क्या होगा सही आंसर?
निपट नादान बारहमासी भारत संगीत भारतेंदु के किस रचनाकार की रचनाएं मानी जाती है? महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर दी गई, प्रियंका जी, ममता जी, माही जी, आप सभी का अंशु जी सही आंसर होगा। राधा चरण गोस्वामी जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, राधा चरण गोस्वामी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली ब्रज से भिन्न कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, दोनों में केवल क्रियाओं का अंतर है, ये कथन किसका माना जाता है? 100वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खड़ी बोली ब्रज भाषा से भिन्न कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, दोनों में केवल क्रियाओं का अंतर है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, राधा चरण गोस्वामी, नामवार से क्या होगा सही आंसर? ये 100वां क्वेश्चन आज का चैलेंज प्रश्न होगा आपका। चैलेंज प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे क्या होगा आप सभी का सही आंसर। और अगर आपने हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ परचेस नहीं की है तो ये पीडीएफ अभी आप परचेस कर लीजिएगा, मात्र 100 रुपये में मिल जाएगी ये पीडीएफ। इसमें आपके 3000 प्रश्न होंगे गद्य साहित्य पद्य साहित्य की। ये पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है संपर्क कर सकते हैं, 9399553966 नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप संपर्क करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर लें। कुलदीप जी और रजनी, के एम रजनी जी, अमित जी, भावना जी, कमला जी, प्रवीण जी, प्रियंका जी, तन्मय जी, आरती जी, साधना जी, दीपक जी, तनु जी, सतीश जी, कंचन जी, प्रीति जी, संजू जी, सीमा जी, कल्पना जी, अभी जी और ममता जी, राखी जी, अरविंद जी, अनंत जी, राहुल जी, पंकज जी, भावना जी, कल्पना वर्मा जी, आरती जी, प्रमोद जी, आनंद जी, कंचन जी, अरविंद जी और दिनेश जी, राज जी, दीप्ति जी, अंतिमा जी, MS वर्मा जी और कुलदीप जी, दीपक जी। तो चैलेंज प्रश्न का आंसर होगा राधा चरण गोस्वामी माने जाते हैं, इस कथन के लेखक राधा चरण गोस्वामी जी जो हैं, संजू जी, पाठक जी और प्रियंका जी, आरती जी, दीपमाला जी, प्रीति जी, पंकज जी, अरविंद जी, मेधा जी, राहुल जी, सतीश कुमार जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 9:10 पर जो क्लास होती है उसमें सभी लोग जुड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। अरविंद यादव जी, जय हिंद। MS वर्मा जी, साधना जी।